तो कैसे हो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये रही हमारी KTM ड्यूक 200। ये देखो कितना काम हो चुका है अब इसमें। देखो एक तो नीचे वाली टैंक है जो वो फिट हो चुकी है पूरी। ये देखो हो चुकी है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये भी खोलकर। और ऊपर से ये जो फाइबर वाली टैंक है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी फिटिंग बन चुकी है। ये देखो तो पीछे होते हैं, ये रहे। और फिर आप पीछे का फ्रेम भी देख सकते हो, बना दिया फ्रेम इसका पीछे का, पूरा मजबूत लोहे का फ्रेम है इसका। ये देखो मजबूत लोहे का फ्रेम बना दिया इसका पीछे का। और इसकी जो साइड एंगल है दोनों साइड की, वो भी लगा दिए इसमें। ये देखो एंगल भी फिट हो चुकी है। अब नीचे की फिटिंग रह गई है इसकी, यहाँ से जो फुटरेस्ट कनेक्ट होगी ऐसे करके आएगी वो रह गई है। बाकी अभी मैं टैंक खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी होने वाली है। ये जो है यहाँ से कट होएगा, यहाँ से ऊपर जो अंदर वाली टंकी का है गला वो ऊपर तक आएगा यहाँ से। तब यहाँ से चाबी लगा के ऑयल मतलब पेट्रोल डालने के लिए यहाँ से होगा वो, जैसे कि दूसरी वाली बाइक में दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, देखो यहाँ से पेट्रोल डालने के लिए है, ऐसा ही इसमें भी होगा। अभी जैसे कि उसका काम हो चुका है ऐसा ही, देखो मैं दिखाता हूँ पूरा। कुछ दिनों बाद ये ऐसी बन जाएगी। तो मैं भी इसे खोल के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसी है अंदर से टंकी, कैसी है फिटिंग उसकी अंदर वाली, लोहे वाली जो टंकी है उसकी फिटिंग क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि पेज खोल दिया हमने, ये इधर से ऐसे खोल दिया, ये एंगल बाहर आ गई अपनी, ऐसे दूसरी साइड का खोल देंगे। दिखाता हूँ मैं दूसरी साइड का भी खोल के भी, जैसे कि रहा इसका में भी दो पेच है, अभी ये दो पेच पे ही है ये दोनों के दोनों। पेच निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया, और ये एंगल भी बाहर आ गए दोनों साइड के। अब रहेगी टंकी के ये दो पीछे, ये दो पेच ये रहे। ऐसे ही तो आगे के ये रही। चार हो गए और ये आगे टंकी आपकी बाहर, चार पे बाहर आ गए, ये टंकी आपकी बाहर आ गई, टंकी बाहर। और ये दो पेच इसके आगे के बोल्ट आगे, और एक ये रहा और एक ऐसे ही इस, ये चारों पे पूरी टंकी रुकी हुई है। और ऊपर ये लगा दिया तो फाइबर वाली बॉडी कंप्लीट हो गई टंकी। अगले अपडेट के लिए बने रहना, फिर से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।